दोस्तों, यूट्यूबर हो, वीडियो ब्लॉगर हो, टीचर हो या प्रोफेशनल हो, जब माइक्रोफोन की बात आती है तो सबकी पहली चॉइस होती है बोया का BY-M1 माइक्रोफोन, क्योंकि ये एक डिसेंट प्राइस रेंज में आपको एक डिसेंट माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस देता है। और यही कारण है कि मार्केट में इसके बहुत सारे डुप्लीकेट वर्सन्स भी अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका M1 ओरिजिनल है या नहीं। सेकेंड, कि एक स्मार्टफोन में आप इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसकी एक प्रॉब्लम भी है कि स्मार्टफोन पे ये प्लग एंड प्ले बेसिस पे नहीं चलता है। थर्ड पॉइंट, कि इसकी क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, और ये आपको कैसा यूज़र एक्सपीरियंस देने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूँ अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस बोया के बॉक्स को हम लोग ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि मैं इस माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा हूं लास्ट एक महीने से, क्योंकि बिना यूज़ किए रिव्यू देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये है वो रेक्सिन पाउच, ये कोई लेदर पाउच नहीं है, जिसके अंदर में आपका प्रोडक्ट रहता है माइक्रोफोन। ये जब नई में आती है तो इसी तरह इसके अंदर में रहता है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बॉक्स में एक आपको ये लीफलेट मिलती है, जिसे कि आप वारंटी कार्ड भी कह सकते हैं। इसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं और इसके सारी डिटेल्स चाइनीज लैंग्वेज में है, क्योंकि ये एक चाइना प्रोडक्ट ही है। तो आप चलिए देख लेते हैं इसके माइक्रोफोन को। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इसका माइक्रोफोन है। ये जो इसका ऊपर विंड स्क्रीन है, मैं इसे निकाल देता हूँ। तो ये वो विंड स्क्रीन है जो अलग से आता है, जिसे आपको इसके ऊपर लगाना पड़ता है। इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है वो है इसका ये क्लिप, जो अभी आप फिलहाल में निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। ये क्लिप भी उस सिस्टम में, इसे आपको खुद से ही लगाना पड़ता है, ये भी अलग से आता है। और ये देखिए, ये है इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी। तो ये आप सामने से मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये एक प्लास्टिक बॉडी है, बहुत ही हाई ग्रेड प्लास्टिक नहीं है, लेकिन ओके, काम चला हुआ है। और इसकी तार को देख लीजिए, जो वायर को, तो वायर की भी क्वालिटी टॉप नॉच नहीं है, बट हाँ, इस प्राइस रेंज में इनफ है। और ये इसका मेन 20 फीट का वायर है, जो कि आपको एक लेंथ देता है। अब चलिए इसके कंट्रोलर को देख लेते हैं। ये इसका कंट्रोलर है, अब इसका कंट्रोलर को आप खोल सकते हैं। ये मेटल का बना हुआ है, मैं आपको बता दूं। इसका कंट्रोलर को खोलकर यहाँ पर देखिए, इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, जिसमें आपको बैटरी डालनी पड़ती है, और ये बैटरी इसी के साथ आता है। तो इसे आपको खुद से डालना पड़ता है, डालने के बाद ही, बिना बैटरी का ये काम नहीं करता है। और इधर में आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जिसमें आपको स्मार्टफोन के लिए आपको नीचे में रखना पड़ता है, और अगर DSLR या कैमकॉर्डर करना है तो आपको ऊपर करना है। अब चूंकि मैं स्मार्टफोन से दिखाऊंगा तो मैं इसे नीचे ही करा रखता हूँ। तो ये हो गई आपकी माइक्रोफोन की बात। तो अब अगर मैं आपको इसका बॉक्स थोड़ा दिखा दूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके पीछे में इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है, जो कि 1995 है, और मुझे ये 995 रुपीज़ ही पड़ा है अमेजोन में। और जैसा कि आपको बताया, मैं लास्ट एक महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि आप इसे स्मार्टफोन, कैमकॉर्डर, इवन PC, मैंने इसे PC में भी यूज़ किया है, क्योंकि भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मेरी बेटी के लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल चलिए, बॉक्स में इतना है, अब चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप में, प्रोडक्ट वेरीफिकेशन। ये ओरिजिनल है या नहीं जानने के लिए कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी इसमें दी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एक स्क्रैच कोटिंग है, आपको इसे पर स्क्रैच करना होगा। चलिए स्क्रैच करते हैं। अब यहाँ पर जब आप स्क्रैच करेंगे तो यहाँ पर आपको एक देख सकते हैं एक बार कोड और साथ में एक नंबर, दोनों देखने को मिल रहा है। तो अब इसे वेरीफाई करने के दो तरीके हैं। पहला तो है कि आप अपने मोबाइल का स्कैनर से इस बार कोड को स्कैन कीजिए। स्कैन करने है, जैसे ही स्कैन करेंगे तो वो आपको एक लिंक देगा, उस लिंक पे क्लिक करने से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं। तो दूसरा जो मेथड है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये आपके बोया के वेबसाइट में जाकर ये नंबर इंटर करके आपको अपने प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं
इसे करना है। तो हम लोग दूसरे तरीके से इसे चेक करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के पास। दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के पास आ गए हैं, तो चलिए गूगल सर्च में जाकर हम लोग सर्च करते हैं बोया माइक चेक। तो चलिए यही सर्च करते हैं। पहला ऑप्शन जो आ रहा है इसे ही हम लोग क्लिक करके खोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंक्वायरी के लिए ऑप्शन आया है, आप जो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो मैंने आपको दिखाया ये जो नंबर है इसे आपको इस नंबर को इस वाले नंबर को इंटर करना। अभी नंबर इतना छोटा है इसलिए मैंने इसे ऑलरेडी मोबाइल पे मैंने इसके तस्वीर खींच के रखी है। तो चलिए इस नंबर को यहाँ पर हम लोग इंटर करते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके नंबर इज 2 5 6 1 0। पार्ट आप चाहे तो थोड़ा फॉलो भी कर सकते हैं, नंबर इंटर करने में थोड़ा समय लग रहा है। इस इंक्वायरी पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है। देखिए जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज ऑफ ऑथेंटिक बोया प्रोडक्ट। ये मुझे कह रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है, और उसे समझने के लिए बेटर समझने के लिए उसने देखिए यहाँ पर जो मेरा ये बार कोड है और यहाँ पर जो ये नंबर्स का पैटर्न दिया गया है 79, मैं सामने दिखाता हूँ 7945। अगर आप यहाँ पर देखें तो 7945 और जो लाइंस के पैटर्न्स है वो भी मैच करने के लिए उन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो जिस कलर कोड से जैसे आप से देख सकते हैं 9 पे ग्रीन और ब्लैक, यहाँ पर रेड, यहाँ पे ऑरेंज और 5 में इस तरह का लाइन का स्ट्राइक है। तो आप इसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये वैसा है नहीं, प्लस आप बार कोड को भी यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो चूँकि जैसा कि ये ऑलरेडी ये कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट है, मान लीजिए अगर आप इस नंबर को दोबारा डालकर फिर से अगर चेक करते हैं, तो मैं ये नंबर दे रहा हूँ, मैं फिर से एक बार इंक्वायरी पे क्लिक कर। दोस्तों दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज दे रहा है कि द सिक्योरिटी कोड यू हैव क्वेरीड हैज बीन क्वेरीड 1 times, फर्स्ट क्वेरी बीजिंग टाइम एज पर बीजिंग टाइम, इस टाइम पर इसे क्वारी किया गया है। एक्चुअली इसे मैंने ही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि फर्स्ट टाइम मैंने इसे क्वारी किया, और सेकेंड टाइम जब मैंने फिर से इसे क्वारी किया तो इसने ये मैसेज दिया। इसका फंडा ये है, कहने का मतलब ये है, कंपनी आपको ये कहना चाहती है कि आपने जो बार जो कोड यहाँ पर इंटर किया गया है उस कोड से ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को वेरीफाइड किया जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रोडक्ट डुप्लीकेट होता तो फर्स्ट टाइम ही जब आप क्वारी करते वहाँ पर ही आपको फर्स्ट टाइम ही ये मैसेज शो करता। इसका मतलब यह है कि जिसने भी आपके प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाई है उसने किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का कोड यूज़ करके वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट जिस बॉक्स में आ रहा है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों ओरिजिनल है या नहीं, कंपनी से उसे फर्स्ट टाइम आपको मार्केट में भेजा गया है या नहीं। चलिए दोस्तों आप इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक बारकोड स्कैनर इंस्टॉल करनी होगी, इसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपका ये QR कोड दिया गया है, नॉट बारकोड, उसे आपको स्कैन करना है। तो मैं उसे स्कैन कर लेता हूँ। जैसे आप स्कैन करेंगे आपको ये लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपके ब्राउज़र में चला जाएगा और यहाँ पर भी सिमिलरली बोया का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा और यहाँ पर वही 16-digit कोड आपको इंटर करके इंक्वायरी करनी है और इसका रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार इंक्वायरी हो चुका है। तो दोस्तों आइए बात है इसके सेकंड पॉइंट पे कि स्मार्टफोन में आपको इसे वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान में कैसे यूज़ करना है, क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम फोन्स का जो कैमरा UI होता है वो बोया के M1 को सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके किसी थर्ड पार्टी वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है, जिसमें कि आपको बहुत सारे ओपन कैमरा और बहुत सारे ही ऐप्स हैं जो कि अवेलेबल है। लेकिन उन सभी ऐप्स की एक प्रॉब्लम है कि उसके वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही पुअर होती है। अल्टीमेटली बहुत सारे यूज़ करने के बाद जो फिलहाल मैं जिस पर लैंड अप हुआ वो है ये ऐप जिसका नाम है कैमरा MX। तो
ये, तो ये वो ऐप है जिसको मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये थर्ड पार्टी ऐप जितने भी कैमरा ऐप है ये बेसिकली सभी के सभी चोर है। ये आपके मोबाइल से आपके डाटा को चोरी करते हैं। इवन मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पर्टिकुलर इसी ऐप के साथ कि जब इसके प्लस बाकी जो ऐप भी है उसमें भी, कि आप जब इसे यूज करते हैं तो यूज करने के बाद नॉर्मली हम लोग कोई यूज करने वाली से जब हम लोग बंद कर देते हैं बैक करके, आप जैसे भी इसे बंद करिए उसके बाद भी ये जो ऐप्स होते हैं ये बैकग्राउंड में आपके चलते रहते हैं। ये आपका माइक्रोफोन यूज करता है, आपका कैमरा परमिशन स्टोरेज पे यूज करता है। ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जब मैंने एक मॉर्निंग में एक बार इसी ऐप को यूज करके एक वीडियो को शूट किया था, उसके बाद मेरा मोबाइल का डाटा भी ऑन था और मैंने रख दिया, अचानक 2 घंटे या 3 घंटे के बाद बाय डिफॉल्ट जो मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर है उससे मैसेज आता है कि आपका 50% डेटा कंज्यूम्ड हो गया है। जबकि उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उतनी डेटा यूज हो जाए। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप इस तरह कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए। फ्लाइट मोड में डालने के बाद आप आराम से इस कैमरा को यूज़ कीजिए, इसके रिकॉर्डिंग कीजिए, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो उस समय सबसे पहले आप इसे बैक कीजिए। बैक करने के बाद आप ऐप में जाइए, ऐप इन्फो में जाके आप इसे ज़रूर से, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इसे फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फोर्स स्टॉप करना ही इनफ नहीं होता है, प्लस आप इसके परमिशन में जाइए। आपने जो इसे परमिशन दे रखे हैं, चाहे वो कैमरा का परमिशन हो, माइक्रोफोन का परमिशन हो और स्टोरेज का परमिशन हो, ये इससे सभी वापस ले लीजिए। तो ये दो चीज़ करने के बाद फिर वापस से आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड से नॉर्मल मोड में लाइए। तो ये आपका सेफ तरीका होगा बोया M1 माइक्रोफोन को यूज़ करने का स्मार्टफोन में। अदरवाइज आपके फ़ोन से आपके जो पर्सनल डाटाज है, चाहे वो सेंसिटिव डाटाज भी हो सकते हैं, वो चोरी हो सकती है। तो अब चलिए चलते हैं माइक्रोफोन के पास और इसे मोबाइल में प्लग करके देखते हैं कि साउंड की क्वालिटी कैसी आती है। तो दोस्तों अभी मैं मोबाइल से ऑलमोस्ट 3 फीट दूर खड़ा हूँ और जो अभी आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है वो कैमरा के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो अब जो नेक्स्ट जो आपको मैं सैंपल दिखाऊंगा वो माइक्रोफोन यूज़ करके। दोस्तों अभी जो आपको साउंड का सैंपल सुनाई देगा दे रहा है वो इस बोया M1 माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं कैमरा MX ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको एक बार मैं दिखा दूँ, ये कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर और जो माइक का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट इतना आता है। तो आपको इसे, चूँकि आपको अपने शर्ट पर लगाना है और इस कंट्रोलर को आपको अपने बेल्ट पे या फिर आपके जो जीन्स के पॉकेट है वहाँ पे कहीं पे इसे इस तरह से लगा देना है। सॉरी मैं एक बार फिर से इसे लगा देता हूँ। अब चूँकि हाँ, एक मैं आपको और दिखा देता हूँ कि ये इसका डिस्टेंस है। आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसका माइक्रोफोन को दूर ले जाऊँ तो आपका साउंड का जो रेंज है वो कितना कम रहा या कितना ज़्यादा है। तो इससे आपको एक आइडिया अब आ जाएगा कि इसका साउंड को कैप्चर करने का रेंज कितना है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका नॉइज़ कैंसलेशन। तो दोस्तों इसकी नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है। एक प्रीमियम माइक्रोफोन को जो जैसा आपको नॉइज़ कैंसलेशन देता है ये भी आपको वैसे देता है। अब चलिए अब इसका मैं आपको लेंथ दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 20 फीट का लेंथ का इसका वायर आता है, और मैं जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकता हूँ मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है और ये इसका कंट्रोलर है। मैं आपको तार को भी उठा दिखाता हूँ। तो ये है, तो प्रैक्टिकली अगर आपको जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप खड़ा हो सकते हैं इसे यूज़ करके वो इतना है। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा डिस्टेंस में आप खड़े नहीं हो सकते, इससे फिर तार पे वायर पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। तो अब चलिए इसका जो कॉन है वो मैं बता देता हूँ। जो इसकी जो सबसे बड़ी कॉन है वो इसका वायर ही है, क्योंकि जब आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाता है तो उसको उसके वायर को अरेंज करना वो एक बहुत बड़ा ही हेडेक होता है, जो कि अभी मुझे भी फेस करना है। तो ये देखिए, इस सब से 20 फीट वायर को जब आप रिकलेक्ट करेंगे तो इसके हालत कुछ ऐसा हो जाता है। और वायर का अगर मैं आपको क्वालिटी आपको पहले दिखाया था और अभी बता दूं कि ये अगर ये वायर की जो क्वालिटी है ऐसा टर्न्स एंड ट्विस्ट झेलने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसका वायर ज़्यादा दिन टिकने वाला है। तो यही इसका एक कॉन है, अदरवाइज़ और कोई इसमें कॉन मुझे दिखता नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड कॉन है कि कैमरा मोबाइल के कैमरा ऐप पर
ये जो माइक्रोफोन है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, आपको एक थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना ही होगा। और अदरवाइज़ जहाँ तक साउंड की क्वालिटी की बात है, तो मैं इसे लास्ट 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और साउंड रिकॉर्डिंग की क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। 995 रुपीज़ में आपको इस क्वालिटी का माइक्रोफोन नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, बशर्ते ये ओरिजिनल होना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।